सो द लंच आफ्टरनून ताजमहल देखने के बाद अब हम आगरा फोर्ट भी जाएंगे, बट बिफोर दैट लंच इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अभी लंच कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द आगरा फोर्ट। We have reached Agra Fort, or bahar se it is looking huge from the outside. You can see the big walls and everything. So andar chalte hain aur dekhte hain, isko pura explore karenge fort ko, and we will see. There are many people and the number of the people is also very interesting because people don't come unless the place is amazing. So let's go now. So ye hai main entrance Agra Fort ka, aur aap dekh sakte ho bahut sare log andar ja chuke hain aur bahut sare bahar andar se bahar bhi aa chuke hain. So now we are going to enter, aur ye hai main entrance Agra Fort ka. अभी हम पहुंचे हैं आगरा फोर्ट, और कुछ भी बोलने से पहले प्लीज हैव अ लुक अराउंड द फोर्ट, और फिर थोड़ा सा आगे मैं और इन्फॉर्म करता हूँ आपको इसके बारे में। ये बिल्ड किया गया था, बनाया गया था, ये फोर्ट जो है ये बनाया था अकबर ने, मुगल एम्परर, द फेमस मुगल एम्परर 460 इयर्स बैक। सो आप देखिए ये जो सारा रेड है, बिल्कुल ये जो बिल्डिंग है, इट इज अमेजिंगली कंस्ट्रक्टेड एंड 460 इयर्स बैक। जस्ट लुक एट द इमेजिनेशन एंड द आर्ट एंड द टैलेंट ऑफ दोज यू नो इंजीनियर्स एंड ऑल द पीपल हु मस्ट हैव बीन इन्वॉल्वड इन मेकिंग इट, बिल्डिंग इट, कंस्ट्रक्टिंग इट, एंड आफ्टर 460 इयर्स There are still thousands and thousands of people जो आते हैं देखते हैं, and not just this, there are so many other you know buildings also, but this is one of the very best and many people are here, बहुत सारे लोग। सो देखिए बहुत कुछ है देखने के लिए एंड हैरान होने के लिए बहुत कुछ है। यू नो दिस मुगल्स हैव सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स दे मस्ट हैव हैड, और जिस तरह की कंस्ट्रक्शन, लाल किला एंड देन आप ताजमहल जाते हो, आप यहाँ आते हो आगरा फोर्ट, जस्ट गेट मेस्मराइज्ड एंड सी ऑल दीज थिंग्स। 500-600 साल पहले जो बनाई गई हैं, सो तब ये कैसी लगी होंगी और किन माइंड्स ने इनको सोचा है बनाने से पहले, सो दैट्स ऑल रियली रियली अमेजिंग। एंड चलते हम अंदर एंड वी विल सी मोर ऑफ इट। ये देखिए यहाँ पे आगरा फोर्ट का जो इंटीरियर है ये स्टार्ट होता है, एंड यू कैन सी द लॉन्स ऑन बोथ द साइड्स, मैनी स्कूल स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे भी हैं यहाँ पर, एंड मैनी मैनी फॉरनर्स ऑल्सो। सो ये जगह आप देखिए, जितना भी आप देखोगे यू विल ऑलवेज यू नो वांट टू कम अगेन एंड जस्ट सी अप एंड क्लोज। अभी तो आप जहाँ जहाँ से देख रहे यू जस्ट सी इट एंड ऑब्वियसली यू गॉट टू फील द आर्ट अगेन, जिसे मैं बार 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 कह रहा हूँ, the art, the you know the talent of those people who constructed, who designed, who engineered all the stuff, it is amazing, look at it. Aur jo area bhi liya hua hai like red fort, kafi zyada area hai, and obviously that is what makes it a big tourist attraction. And to ab hum aa chuke hain andar agra fort ke, aur yahan par aapko dikhate hain, aap bilkul jo zabardast art hai, karigiri hai, बहुत क्लोज तरीके से, एंड इट इज़ अमेजिंग। आप देखिए जैसे किसी ने पेन से किया हुआ है काम, जस्ट लुक एट इट, लुक एट इट क्लोजली, जस्ट पॉज योर फोन्स एंड इफ यू लव आर्ट, इफ यू लव द रियल यू नो आर्किटेक्चर, दिस इज समथिंग विच यू शुड वॉच, दिस इज अमेजिंग, ब्यूटिफुल। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है एंड truly amazing. So finally जो fort था आगरा fort आपने देखा, और तुम्हारे right this side this part was used as library, और ये पार्ट लाइब्रेरी के लिए, अंदर जो अपर पार्ट था वहाँ पर जो बेगमार थी वो रहती थी अकबर की, एंड देन यही कहा जा रहा है यहाँ पर, एंड देन दिस इज द एंड नाउ, दिस इज द एंड, और ये है इसका आप कह सकते हो कि जो लेफ्ट साइड है ये एक किस्म से एंड है, और रेलिंग है वहाँ पर बहुत ही डिफरेंट किस्म की है, यमुना है इसके पीछे, दरिया है यमुना। सो यहाँ पे अभी दिखाते हैं आपको जो सेंट्रल पार्ट है, एक साइड से शाहजहाँ महल भी यहाँ छोटा सा, और उसके बाद यहाँ पर ये फाउंटेन भी हुआ होगा श्योरली, यहाँ देखिए आप, बट पानी तो है नहीं अभी, मैं भी फंक्शन ना कर रहा हूँ अभी, बट इट इज़ वेरी मच विजिबल देयर।
अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं पूरा ये वाला एरिया, ऑल मार्बल एंड दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। और देखिए आप पूरा किस तरह से, ये बहुत बड़ा बड़ी बिल्डिंग है, दो स्टोरीज है यहाँ पर। और टू द लेफ्ट ये देखिए आप, दो बिल्डिंग्स हैं, ये पूरी डबल स्टोरी है, ये ह्यूज एरिया, कवर बहुत ज़्यादा एरिया किया हुआ है, बट इट इज़ वर्थ बिकॉज लोग देखने भी आते तभी हैं जब उनको कुछ स्पेशल, कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। और उस ज़माने में तो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा, लेकिन आज के वक्त में अगर हम देखें 500 साल के बाद ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा इकॉनमी, बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा है ओब्वियसली कंट्री को हो रहा है। एंड दिस इज़ अमेजिंग द वे इट हैज़ बीन बिल्ट, एंड मेसमराइज कर रहा है आज भी लोगों को, और सिर्फ हम लोगों को नहीं, सिर्फ इंडियंस को नहीं, यहाँ पे जो हम लोग रहते हैं, बट जो फॉरनर्स आते हैं, इट मेसमराइज देम ऑल्सो, यू नो, सो इट इज़ वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल।